डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रायन मलिक एन आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थर्टीन का टॉपिक कुलम्स लॉ तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ चैप्टर नंबर थर्टीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक थर्टीन पॉइंट फोर कुलम्स लॉ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हमने क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर फाइव में एक टॉपिक स्टडी किया था जिस हमने ये डिस्कस किया था कि दो अगर हम मैसेस को करीब लेकर आए तो उन दो मैसेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है और सिमिलरली हमने ये कहा था जैसे जैसे हम अगर मैसेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाए तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होती है एंड सिमिलरली अगर हम उन दो मैसेस को दूर कर दें मीन्स कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है तो सिमिलरली या हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज के उन दो मैसेज की जगह पर दो चार्जेस मौजूद हैं अब जैसे कि आप जानते हैं कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस सो अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को मींस के सेम टाइप ऑफ चार्जेस लेकर आए तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हो जाती है और सिमिलरली अगर हम ऑपोजिट चार्जेस लेकर आए तो इनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है नाउ लेट्स सपोज कि दो चार्जेस मौजूद हैं और इन दो चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है नाउ हेयर्स अ क्वेश्चन कि अगर मैं इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता हूं तो क्या उस फोर्स के ऊपर इफेक्ट होगा या फिर अगर मैं इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं तो क्या उससे जो फोर्स है उसको कुछ इफेक्ट होगा यस yes. इस क्वेश्चन का आंसर किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने एंड द नेम इज चार्ल्स कूलम और इसकी जो

इसने बताया कि किस तरह से ये फोर्स अफेक्ट होती है अगर आप इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें या फिर इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दें अब लॉ को समझने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं सो पॉइंट चार्जेस को हम डिस्कस करते हैं द चार्जेस हो साइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दम आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस जिनका साइज इतना स्मॉल हो कि उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए और उन चार्जेस का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं दीज चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस आई होप आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि इन चार्जेस का साइज स्मॉल है और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लार्ज है तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं पॉइंट चार्जेस कहते हैं क्लियर अब हम कूलम को डिस्कस करते हैं सो द स्टेटमेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्र ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम लेट्स सपोज कि दो चार्जेस हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो गई है अगेन वो जो दो चार्जेस हैं वो कौन से हैं चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस ओके वो पॉइंट चार्जेस हैं अब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है वो फोर्स ऑफ अट्रेक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस दैट मीन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यू वन एंड क्यू टू अब आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दो चार्जेस नजर आ रहे हैं अब इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है अब अगर आप इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें इनका साइज अगर आप इंक्रीज कर दें तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्लियर नाउ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्ट डिस्टेंस बिटवीन दम और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट कि अगर आप इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर आप उसको बढ़ाते जाएं इंक्रीज करते जाए तो उससे क्या होगा कि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी क्लियर तो हम लिख सकते हैं दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वन बाई आर स्क्र क्लियर अब यहां पर आर स्क्र क्यों है हम रेडियस का स्क्वेयर क्यों ले रहे हैं बिकॉज अगर हम एक चार्ज की बात करें तो एक चार्ज का अगर हम यहां से लेकर सेंटर दैट इज जस्ट वन रेडियस सो एक और चार्ज इसका भी क्या होगा रेडियस सो रेडियस रेडियस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इट बिकम रेडियस स्क्वेयर क्लियर आई होप आपको समझ आ गया होगा अब यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन डेवलप हो गई दैट इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब मैं इन इक्वेशन को कंबाइन कर रहा हूं जब मैं उसको कंबाइन करूंगा बाय कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज के क्यू वन क्यू टू फाइनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ दैट एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर नाउ नाउर व्हाट इज एफ एफ इज द कूलम फोर्स एंड के के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट

मीडियम बिटवीन दो चार्जेस के डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और के की जो वैल्यू है दैट इज नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन रेसो पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्र ये वैल्यू कब होगी जब उसके दरमियान जो मीडियम है अगर वो मीडियम एयर का होगा उस केस में के की ये वैल्यू होगी दैट इज नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन रेसो पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्र क्लियर आई होप आपको समझ आ गई होगी कि के की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रही है मीडियम के ऊपर जो उन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है के की वैल्यू अब मीडियम बहुत से हो सकती है लिक्विड भी हो सकता है वहां पर एयर भी हो सकती है सो इन दैट केस अगर एयर वहां पर मौजूद है तो वहां पर के की वैल्यू क्या होगी दैट इज नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर क्लियर आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड द लास्ट थिंग

एग्जाम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट वन टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज विद्रेड माइक्रोकुल एंड हंड्रेड माइक्रोकुलीरो मीटर तो इसके दरमियान जो एयर में जो डिस्टेंस होगा दैट इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर अब यहां पर हमें दो चार्जेस दिए गए हैं द क्यू वन चार्ज फाइव हंड्रेड

एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर आर की वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव इसका हम स्क्र कर लेंगे और फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा एटीन हंड्रेड न्यूटन सो द फाइनल आंसर इज एटीन हंड्रेड न्यूटन दिस इज द रिजल्ट सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज बिटवीन द टू चार्जेस इज एटीन हंड्रेड न्यूटन क्लियर आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़